नमस्कार दोस्तों साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम आइसोलेशन इसके पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए दिया है उसमें मैंने आपको टीच किया है मैंने पढ़ाया है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर अगर कोई बॉडी इस तरह से एक पाथ के ऊपर अगर वो बॉडी कंटिन्यू आना जाना करती है तो ए एंड बी के बीच देखो इस तरह से ये है एंड इस तरह से बी है तो ए एंड बी के बीच अगर ये बॉडी कंटिन्यू अप डाउन करती है तो उसको हम लिनियर यशेचम कहते हैं यानी कि स्ट्रेट पाथ पर और इस ऑसोलेशन से रिलेटेड बहुत ऐसे भी कुछ डेफिनेशंस हैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक महत्वपूर्ण है तो ऐसे कौन से कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो डेफिनेशंस अभी हम यहाँ देखते हैं चलो तो वो कौन से कौन से डेफिनेशन है तो ये देखो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन है असुलेशन ये देखो असुलेशन है असुलेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट है उसके बाद नेक्स्ट वाला है एम्पलीट्यूड ऑफ यश थर्ड डेफिनेशन पाथ लेंथ है उसके बाद है पीरियड ऑफ यश एंड सिक्स वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यश यानी कि इस तरह से ये अगर डेफिनेशन ऑफ अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे का ऑल पार्ट्स जो कुछ भी हमारा जो पार्ट है वो पार्ट बहुत अच्छी तरह से आप इसका प्रिपरेशन कर सकोगे यानी आगे का चैप्टर पूरा होल चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसके साथ साथ आपको ए बी इपोक ऑफ एशियचम ए बी बीट आपको यहाँ आप पढ़ने को मिलेगा तो चलो आगे का पार्ट क्या क्या है अभी हम यहां देखते हैं तो फर्स्ट वन डेफिनेशन इज फर्स्ट डेफिनेशन है दिस इज दसोलेशन क्वेश्चन क्या है देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कौन से कौन से असुलेशन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एशियाचम एंड पाथ लेंथ है ओके okay? और उसके बाद पीरियड ऑफ एशियचम यानी कि अगर कोई बॉडी यशेचम परफॉर्म कर रही है तो उसको एक एस एच एम परफॉर्म करने के लिए एक आसोलेशन परफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है वो टाइम को हम पीरियड कहते हैं उसके बारे में भी बहुत डिटेल में और डेप्थ में आपको मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ यशेचम है और उसके साथ इपोक ऑफ यशेचम है है ना तो एक एक डेफिनेशन हम अब यहां देखते हैं तो देखो फर्स्ट वन इज दी दसोलेशन तो आसोलेशन में क्या है सोलेशन देखो द पार्टिकल परफॉर्मिंग यशियचम अबाउट द मीन पोजिशन ऑफ द सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन सच वन सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज आसोलेशन अगर कोई बॉडी और एक बार देखो द पार्टिकल ऑफ यशियम देखो द पार्टिकल एक पार्टिकल है द पार्टिकल परफॉर्मिंग हैच एक पार्टिकल है और वो एस एच एम परफॉर्म करना कर रहा है अबाउट मेन पोजिशन उसके मेन पोजिशन पर वो इस तरह से अबाउट मेन पोजिशन ऑफ दूमेंट अबाउट से अगर वह बॉडी कंटिन्यू आना जाना कर रही है तो सच वन सेट ऑफ मूवमेंट इज कार्ड आसोलेशन और वैसे एक सेट ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं आसोलेशन देन वन आसोलेशन इज फोर टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एक असुलेशन का मतलब है एक ऑसिलेशन का मतलब उसका फोर टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ये देखो किस तरह से आगे तो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं समझो ये इस तरह सा पाथ है और ये पाथ पे अगर ये ये देखो ये ए है और ये बी है अगर कोई बॉडी ए और बी के बीच इस तरह से आना जाना कर रही है तो इसका जो मीन पोजीशन होता है ये सेंटर वाला पोजीशन पोजीशन इसको हम मीन कहते हैं और उसके बाद देखो अगर ये बॉडी इधर जाती है तो इसका हुआ मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड दिस इज दी ये डिस्टेंस एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इसके बाद ये पार्टिकल अगर इस तरह से वापस आ रहा है तो ये हुआ और एके और इसके बाद ये पार्टिकल इधर एक्सट्रीम ए पोजीशन पे जा रहा है तो इधर का ए और वापस आ रहा है तो ए ये ये। यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए का मतलब है फोर ये इस तरह से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू फोर ए ओके और इसको हम वन आसोलेशन कहता है यानी कि एक आसोलेशन का मतलब है वन फोर ए वन आसोलेशन इज इक्वल टू फोर ए ओके okay, तो आगे का बीट एक 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 बता दे ये तो डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी फर्स्ट डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई है क्या है आसोलेशन का मतलब आपको बताया अभी हम आगे का पार्ट देखते हैं आगे की डेफिनेशन देखते हैं और वो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मीन पोजिशन से लेकर वो बॉडी मीन ऑन एक्सट्रीम के बीच में अगर कहीं है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अगर वो एक्सट्रीम पोजिशन लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट right में है एक्सट्रीम राइट में है तो वो एक्सट्रीम पोजिशन हो गए और मीन और एक्सट्रीम दोनों के बीच अगर उसकी कोई जगह है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अगर वो एक्सट्रीम के पास भी है तो यानी कि अगर वो मेन पोजीशन से निकल के अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जा रही है नहीं तो एक्सट्रीम की ओर से वो अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रही है तो उसका मीन और एक्सट्रीम के जगह ये दोनों के बीच कहीं भी उसकी पोजीशन होगी तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एशियचम फ्रॉम दी मीन पोजीशन उसके मीन पोजीशंस है देखो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एक पार्टिकल है उसका डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एक्सीलरेशन अगर पार्टिकल लिनियर एक्सीलरेशन कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन उसके मीन पोजीशंस एट एनी इंस्टेंट किसी भी एक इंस्टेंट पर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल उसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये देखो अभी आपको बता रहा हूं डिस्टेंस एट थ्री स्टेप्स ये देखो डिस्प्लेसमेंट एट थ्री स्टेप ये कैसे कैसे स्टेप्स है देखो बता रहा हूं मैं आपको मेन पोजीशन पे है अगर कोई बॉडी पार्टिकल का ये देखो इस तरह से इसकी पोजीशन है है ना डिस्प्लेसमेंट एट थ्री स्टेप्स देखो डिस्प्लेसमेंट एट थ्री स्टेप्स ये तीन स्टेप्स कौन से कौन से है? अगर ये पार्टिकल अपने रस्ते पर एक ही रस्ते पर अगर ये कंटिन्यू आना जाना कर रहा है ये पार्टिकल इस तरह से अगर इस तरह से ये आना जाना करता है अपने ही रस्ते पे यानी कि यम और एन के बीच अगर ये कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो इसी मूवमेंट को हम दिस इज कॉल्ड एज असोलेशन इसको क्या कहते हैं हम असोलेशन कहते हैं अगर ये मीन पोजिशन से निकल रहा है तो देखो एक एक पोजिशन के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं तो एक देखो एट मीन पोजिशन मीन पोजीशन पे क्या है देखो x is equals to a x equals to a sin omega t है दिस इज कार्डाइज x is equals to a sin omega t दिस इज x is equals to a sin omega t है ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है और मैंने आपको पढ़ाया है ओके देन x एट एक्सट्रीम पोजीशन ये मेन पोजीशन पे हो गया अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं आपको एट एक्सट्रीम पोजीशन ये देखो ए एक्सट्रीम पोजिशन है और ए भी एक्सट्रीम पोजिशन है ये कैसा तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है ए कॉस ओमेगा टी और अब थर्ड स्टेप तो क्या है इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन यानी कि ये देखो पार्टिकल ये मीन पोजिशन है और इनके बीच अगर पार्टिकल यहां कहीं तो है तो यहां जो कुछ भी रहेगा पोजिशन उसको कहते हैं हम मीन एंड एक्सट्रीम के बीच जो अभी अभी मैंने आपको बताया था ओके और आगे क्या देखो थर्ड वाला दैट नेक्स्ट ये थर्ड डेफिनेशन डेफिनेशन जो डेपिनेशन है, जो है मैंने अभी आपको बताया ये एट मीन पोजिशन पेगा इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन पे इस तरह से मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया आइसोलेशन के बारे में भी आपको बता दिया अगर कोई पार्टिकल इस तरह से अपने पाथ पे ये कंटिन्यू आना जाना करता है तो उसको कहते हैं हम आइसोलेशन सेम अब देखते हैं एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड तो सिंपल डेफिनेशन है ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स अगर कोई पार्टिकल आइसोलेशन कर रहा है अपने पाथ पे तो उसकी ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मेन पोजिशन कितने डिस्टेंस पे होता है तो उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड ओके द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियच एम फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एशियम समझ रहे और एक बार देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से निकलकर ये पार्टिकल इस तरह से आगे जा रहा है ओके okay. क्या कहते हैं ओके इट इज डिनोटेड बाय क्या है ये देखो इट इज डिनोटेड बाय प्लस और माइनस ये प्लस और माइनस ये क्यू ये देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है अगर ये इस तरह से है पॉजिटिव डायरेक्शन को है तो ये पॉजिटिव रहेगा अगर नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन को है तो ये रहेगा इसलिए इसको लेफ्ट एंड राइट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से इसको मेंशन किया जाता है ओके okay? और इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है इज इक्वल the तो एम्पलीट्यूड है और ये कितना है टोटल जो पाथ है टोटल जो पाथ है उसी पाथ को अगर हम दो से डिवाइड करते हैं तो आने वाला जो कुछ भी डिवाइड होगा पाथ ऑफ यश एच एम डिवाइडेड बाय टू पाथ ऑफ एच ये देखो यम एंड के बीच ये टोटल पाथ है ये पाथ है और इस, path, इस, 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 इस पाथ दिस द पाथ पाथ ऑफ दिसम डिवाइडेड बाय टू ये टोटल पाथ है ओके टोटल पाथ है डिवाइडेड बाय टू ओके दिस इज दी और पाथ जो कुछ भी पाथ है यानी कि यम और के बीच पाथ है अगर उसको हम दो से डिवाइड करते हैं तो खाली ये आपको मिलेगा नहीं तो पाथ ऑफ यम इज इक्वल टू टू ए आप कह सकते हैं पाथ ऑफ एस एच एम इट इज ऑल्सो इक्वल टू टू ओके दिस इज दिट्यूड समझ में आ गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन चलो आगे का बिट लेते हैं आगे क्या है हमारा ये देखो टोटल डिस्टेंस ओवर विच पाथ लेंथ पाथ लेंथ ये देखो ये पाथ लेंथ है पाथ की लेंथ लेंथम इज पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस ओवर विच पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एसएचएम टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस ओवर विच पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एसएचएम इज कॉल्ड रेंज जैसे मोबाइल की रेंज बोलते हैं ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज और पाथ लेंथ ऑफ दी पार्टिकल दिस इज दी पाथ लेंथ एन इज पाथ लेंथ हियर देखो मैं आपको समझा रहा हूं यहां लेंथ अभी अगर आपको समझ भी नहीं आया तो देखो दिस इज पाथ लेंथ पाथ लेंथ ऑफ ओके इस तरह से देन आगे का देखो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन आइसोलेशन टाइम टेकन बाय पार्टिकल अगर किसी बॉडी को टाइम लग रहा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन आइसोलेशन ड्यूरिंग एशियच एम ड्यूरिंग एशियचएम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एशियचएम उसको क्या कहते हैं हम पीरियड ऑफ एशियचम पीरियड ऑफ यशियम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन आइसोलेशन अगर ये पार्टिकल है और यहां से निकल के इस तरह से इसके ये अगर इस तरह से आइसोलेशन कर रहा है इस तरह का ये अगर असोलेशन कर रहा है तो इसको कहते हैं दिस इज दसोलेशन ड्यूरिंग एशियचम इज कार्ड पीरियड ऑफ एशियचम टाइम टेकन द पार्टिकल टू कंप्लीट वन असोलेशन एक असोलेशन यानी कि पार्टिकल यहां से निकल के यहां आ गया यहां से वापस यहां आ गया बाद में इधर आ गया यम की तर, यम की तरफ और यम से लेके बाद में ये रिवर्स ओ को आ गया यानी कि ओ टू यन यन टू ओ ओ टू यम और यम टू ओ अगर इस तरह का ये मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट करने के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है उसको कहते हैं हम पीरियड लेकिन ये हर बार सेम होता है हर एक सेट ऑफ मोवमेंट के लिए ये टाइम सेम होता है इक्वल होता है इसलिए इसको कहते हैं हम पीरियड ऑफ यश एच एम दिस इज कार्ड एज पीरियड ऑफ यश एच एम ओके आगे का देखो क्या है कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यशम एट एनी इंस्टेंट कंसिडर अ पार्टिकल समझ रहे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझो कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियम समझा एक पार्टिकल है तो क्या कर दो परफॉर्मिंग एशियम परफॉर्म कर रहा है एट एनी इंस्टेंट टी किसी भी एक इंस्टेंट इंस्टेंट टी पर है एट एनी डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन इज गिवन बाय और एक बार देखे कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एशियम एट एनी इंस्टेंट टी किसी भी एक इंस्टेंट टी पर द डिस्प्लेसमेंट यक्स उसका क्या है देखो ये डिस्प्लेसमेंट है ये परफॉर्म कर रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट है X है इसका ओके ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन उसके मीन पोजिशन से इसका ये डिस्टेंस है ठीक है इज गिवन बाय कितना होगा देखो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इसका ब्रैकेट बाकी है ए साइन ओमेगा टी है वो ओके okay, और इसके बाद ए ब्रैकेट एंड आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम के बाद हम क्या समझ रहे हैं पार्टिकल ए ओ से निकल के पी तक आ गया तो पी पोजीशन पे है तो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो ये एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इतना रहेगा लेकिन आफ्टर टाइम टी वन कुछ टाइम टी गुजरने के बाद कंप्लीट होने के बाद वो कितना होता है दैट टी वन इज इक्वल्स टू टू पाए बाय ओमेगा है ये टू पाए बाय ओमेगा देन न्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज न्यू डिस्प्लेस यानी कि उसके जगह हम इसको लिख देते हैं तो क्या रहेगा इज तो एक्स वन इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा लेकिन ए जो है ना ये टी ये टी के जगह इसको लिख देते हैं हम किसको ये t प्लस है प्लस है दिस t इज इक्वल टू t1 वन प्लस टू पाई बाय ओमेगा ही टू पाई बाय ओमेगा है देन न्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज और ये जो है ना ये अल्फा वाला ये अल्फा वाला इस तरह से इसको भी हम लिख देते हैं इसको ओके दिस x1 वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t ओमेगा t ओमेगा इन ब्रैकेट t प्लस टू पाए बाय ओमेगा कारण का टी सॉरी ये गलत हो गया ये जो टी वन है ना ये टी में टी में टू तरह से हम अगर कैलकुलेशन करते तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे ओमेगा टी आ गया उसके बाद इसको भी हम ए ओमेगा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो ये स्टेप इस तरह से आएगी ए साइन ओके इन ब्रैकेट ओमेगा प्लस टू पाए ओमेगा बाय ओमेगा प्लस अल्फा और ये ओमेगा कैंसिल तो इसके बाद ए साइन ओमेगा टी प्लस टू पाए प्लस अल्फा ओके लेकिन एक याद रखो टू पाई का मतलब होता है देखो एक पाए है पा इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री पाए बाय टू इज नाइन्टी डिग्री पाए इज दी वन एटी डिग्री और टू पाए का मतलब होता है थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री समझ रहे हैं न आप अगर ये टू पाए यहाँ आ रहा है तो ये कंप्लीट आइसोलेशन इसका हो गया है एक कंप्लीट आइसोलेशन हो गया अगर इसका एक कंप्लीट आइसोलेशन हो होता है तो ये टू पाए निकल जाएगा ये देखो इस तरह से एक्स वन इज इक्वल टू ए साइन टू पाओमेगा प्लस अल्फा देखो आगे की स्टेप क्या है तो देखो एक्स वन इज इक्व ए साइन ओमेगा अभी क्या रहेगा बाद में ये रहा हमारा तो आपको मालूम है क्या मालूम है एक्स तो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस अल्फा है तो ये एक्स वन भी इसके जैसा ही आता है यानी कि सेम एक सेटअप ऑफ मूवमेंट करने के बाद वो शुरुआती पोजीशन पे आ गया यानी कि उसको जो कुछ भी टाइम लगता है ईच एंड एवरी मूवमेंट के लिए उसका टाइम सेम होता है ओके इस तरह से और इसके बाद देखो लास्ट वन इन टाइम टी वन टू पाई बाय ओमेगा द पार्टिकल कंप्लीट वन आइसोलेशन पार्टिकल क्या कर रहा है वन आइसोलेशन कर रहा है पार्टिकल कंप्लीट वन आइसोलेशन बताया ना मैंने आपको ये जो टू पाई है ना टू पाई थ्री में से रिवॉल्व थ्री सिक्सटी का मतलब होता है ये देखो ये जो है ना ये इतना वाला ए पोजिशन ए होता है नाइन्टी डिग्री ये वापस आने के लिए होता है नाइन्टी डिग्री ये इधर जा रहा है तो ये नाइन्टी डिग्री और ये वापस आ रहा है तो ये 90 डिग्री तो इस तरह से सबके अगर आप एडिशन करते हैं तो ये होगा टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री अगर हम सर्कल भी लेते हैं इस तरह का अगर हम सर्कल भी लेते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं आगे अ बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग इट्स डायमीटर परफॉर्म एशियशम तो इस तरह से ये देखो ये अगर बॉडी इधर है हर एक पोजीशन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप ये देखो रिवोल्यूशन कर रहे हैं बॉडी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से किया यहाँ से किया यहाँ से किया यहाँ से किया इधर से किया इधर से किया है ना इधर से किया इधर से किया

थ्री सिक्सटी डिग्री हो गया इसका वही है ओके okay, वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं एंड देन इज टू टीवन ए ओमेगा देन द पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन पार्टिकल क्या कर रहा है वन ऑसिलेशन टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज पीरियोडिक टाइम उसको हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं समझ गए ओके okay, तो चलो आगे का बिट बता देता हूं आगे की डेफिनेशन कौन सी है ए वाला आगे वाला पार्ट पीरियड डिटरमाइन करना है हमें तो पीरियड में क्या क्या है देखो और एक बार बता रहा हूं देखो आपको मालूम है टी इज दू टू टू ना अभी अभी हमने देखा इज टू बाय 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 ओमेगा ओमेगा टी यानी कि एक आइसोलेशन के लिए लगने वाला टाइम है वो ओके आगे क्या होगा बट वी नो ओमेगा स्क्वायर इसको मॉडिफाई करते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम है ना आगे पहले मैंने आपको दिया है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय है अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ए यहां लिखने के बजाय यहां लिखा तो अच्छा होगा ये देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कित किस तरह से आएगा ये अंडर रूट के बाय आएगा अगर ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के बाय ये गलत है ये इस तरह से लिखना होगा आपको और एक बार लिख के देता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय यम। है ना और दूसरा भी इक्वेशन आपको एक मालूम है वो क्या है दिस इज इज इक्वल्स टू के एक्स है इक्वल्स के एक्स है अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो K के इज इक्वल्स टू ये के जगह इसको हम लिख देते हैं तो ये आएगा देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू जो अभी अभी मैंने आपको बताया इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय और के के जगह इसको लिखेंगे एक्स एम, इसका मतलब है एफ बाई, यम एक्स, बाई एम एक्स बाय एक्स बट ए इज इक्वस टू बाई एम है ये भी आपको मालूम है ए इज इक्वस टू एफ बाई एम ये देखो किस तरह से हम क्या करते हैं ये जो है ना m है हम क्या करेंगे ये जो एफ है ये एक्स इस तरह से आएगा लेकिन बाय एम जो है ना बाय एम आपको मालूम है यफ इक्वल टू एम ये है ना आप बोलेंगे सर ये कैसे आ हाँ गया ये ऐसे आ हाँ गया यफ इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए है तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू यफ बाय आएगा ये इक्वल टू यफ बाय आएगा तो आगे क्या होगा तो देखो यानी कि यफ ये तो समझ में आ गया ना तो यफ बाई यम इज इक्वल टू ये है तो आगे आने वाला इक्वेशन होगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाय यम इसका मतलब है एक्सेलरेशन पर मास देखो सॉरी सॉरी पर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देखो इस तरह से ए बाय एक्स इसका मतलब है पुट द वैल्यू इन अब पीरियड इक्वेशन अब उसके बाद दैट टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन ए पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट यक्स है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिसमेंट है तो ये अभी अभी आपको बताया था मैंने ये देखो ये है ये इक्वेशन में पुट दी वैल्यू इन अब अब इक्वेशन ये पीरियड इक्वेशन में इसको हमें रखना है तो टी इक्वल्स टू ये टू पा वाला सेम वन और ये जो ओमेगा है ना ये ओमेगा क्या है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है ये बाय एक्स है, है अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये इस तरह से आएगा ये जो है ना टी इक्वल्स टू ये इस तरह से जो है तो इधर हम इस तरह से लिखेंगे ये देखो इस तरह से इसको इसको अगर हम लिखते हैं तो ओके मास फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इनवर्स करके इनवर्स भी आ सकता है इसका किस तरह से ये देखो ये है ना इस ये ये वाली ए वाली स्टेप है ये ओमेगा टी के बराबर हम लिख देते हैं तो ये देखो ओमेगा लिख दिया हमने ओमेगा यहाँ तो ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्सलडिशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिस, दिस इज दी एक्स है और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो देखो आगे की ये स्टेप आएगी कैसे टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट के बाय अंडर रूट के बाय ओके okay, ये भी लिख सकते हैं ये यानी कि आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल है टी इक्वल्स टू टू पाई बाय ओमेगा ये ओमेगा क्या है तो ये देखो ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम हमने यहाँ लिखा अंडर रूट के बाय एम और इसके बाद हुआ ये टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू इनवर्स कर दिया हमने तो क्या आया है टू पाए अंडर रूट एम बाय के है अंडर रूट एम बाय के अगर हम यम बाई के लेते हैं तो के का मतलब क्या है के इज ओमेगा स्क्वायर है यम ओमेगा स्क्वायर नहीं तो आगे का है ये देखो इस तरह से ये के का मतलब फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम तो ये देखो ये जो के है ना ये के ये वाला के लिखा हमने यहाँ बहुत सारे मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स है से इसके डिफरेंट फॉर्म्स है तो यहाँ हम ये जो के है ना ये के के जगह इस तरह से लिखेंगे टू पाए अंडर रूट यम डिवाइडेड बाय ये देखो फोर्स यफ डिवाइडेड बाय एक्स है एफ डिवाइडेड बाय एक्स इसका मतलब इसका मतलब फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट और आगे भी और एक स्टेप आप यहां ले सकते हैं तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा टू पाए अंडर रूट ये यह यहां क्या है ये यफ बाय एक्स है तो इसको हम करेंगे यम एक्स बाय भी लिख सकते हैं यम एक्स यफ ये एक्स है यम एक्स बाय आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं अगर कुछ डाउट है कुछ डिफिकल्टी है तो आराम से मुझे इसके ऊपर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ओके और इसके बाद आगे का फ्रीक्वेंसी ऑफ एस फ्रीक्वेंसी सिंपल डेफिनेशन है ज़्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है एस फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या अगर एक यूनिट टाइम में समझो आपको एक एक मिनट टाइम दिया है तो एक मिनट टाइम में ए बॉडी ओ से निकल के यन तक गई एन से निकल के यम तक गई और बाद में यहां एन तो ऐसा एक हुआ इसका एक सेट ऑफ मोमेंट तो ऐसे दिए हुए टाइम में कितनी सेट ऑफ मोवमेंट करती है इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी यानी कि सेट ऑफ मोमेंट इन गिवन यूनिट टाइम इज कार्ड एज फ्रीक्वेंसी देखो एक जबरदस्त डेफिनेशन क्या द नंबर ऑफ आइसोलेशन परफॉर्मड पर यूनिट टाइम बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम इसको क्या है? कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम कहते हैं ओके और एक बार देखो नंबर ऑफ ऑसोलेशन नंबर ऑफ ऑसोलेशन परफॉर्मड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यश एच एम कहते हैं फ्रीक्वेंसी उदाहरण अपने डोक्या जो फैन फिरतो तो, जो एका मिनिटा तो, तो। है, सम्झो एक मिनिटा मधे तो कितनी रिवोल्यूशन करते दिस इज ऑल्सो फ्रिक्वेन्सी अगर एक है समझो एक समझो स्ट्रिंग वगैरह होती बाहर अगर हम उसको प्लग करें तो प्लग करने के बाद एक मिनट में वो कितना वाइब्रेशन करता है कितना वाइब्रेशन करता है उसको भी हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं बस ऐसे ही है ओके देन इट इज द रेसिप्रकल ऑफ पीरियॉडिक टाइम रेसिप्रकल ऑफ पीरियॉडिक टाइम यानी कि टी इज इक्वल्स टू ओमेगा है और अगर आप इसको लेते हैं तो टी इज इक्वल टू वन भी होता है फिर एन एन इज़ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है frequency है अगर कोई बॉडी आइसोलेशन परफॉर्म कर रही तो उसका इस तरह से भी होता है एन इज़ टू बाय बाय टी टी देखो reciprocal, reciprocal यानी कि मैंने आपको बताया इज इक्वल्स टू वन बाय टी है तो टी का मतलब क्या है टी इज टू पाई बाय ओमेगा है दिया है ना मैंने इसके पहले तो हम क्या करेंगे इसको इनवर्स करेंगे तो इनवर्स करने के बाद ओमेगा बाय टू पाई आएगा ओमेगा बाय टू पाई ओके तो यन इज इक्वल टू ये रहा यन इज इक्वल टू ओमेगा बाय टू पाई बट आपको पहले एक मालूम है क्या पता है आपको ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय है जो अभी आपने देखा है देखो यहां ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाय अंडर रूट के बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय है वही हमने यहां लिख दिया अंडर रूट के बाय एम यहां लिखा ओके लेकिन ओके यन इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टोपा है ओके तो आगे का क्या है देखो देन इस तरह से ओके okay, तो के, के का मतलब आपको मालूम है के का मतलब क्या है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के इज इक्वल्स टू यब बाय एक्स है ये देखो एफ बाय एक्स फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एफ बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला यब है ओके देन यन इज इक्वल टू वन बाय टू पा Force per unit by mass. Okay, this one और आगे क्या है? Epoch, last वाले Epoch. तो Epoch क्या है है वाले तो देखो स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकल गिवज पोजिशन पोजिशन दिखा रहा है gives position, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी इज इज कार्ड एज इनिशियल और स्टार्टिंग फेज और इनिशियल पोजिशन बताता है इपक का मतलब जान लीजिए इपक दसोलेशन स्टेट उसकी जगह ऑफ पार्टिकल घर पोजिशन बताता है कैसे एंड डायरेक्शन उसकी पोजिशन कहा है और वो किस तरफ जा रहा है और वो अपनी तरफ आ रहा है का वो अपना हमसे दूर जा रहा है यानी कि ये पार्टिकल हम यहाँ खड़े हैं, ये पार्टिकल इधर जा रहा है समझो यहाँ है तो ये इधर जा रहा है कि इधर आ रहा है अपनी तरफ आ रहा है और कौन सी जगह पे है इसकी लोकेशन वो और दिशा बताता है तो उसको कहते हैं हम इपक मोशन डायरेक्शन मोशन एट टी इज एज इनिशियल और स्टार्टिंग फेज और इपोक ऑफ एशियच तो ये रहे इस तरह से हमारी कुछ डेफिनेशन अगर इनमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं एट टी इक्व टू जीरो ओमेगा टी प्लस अल्फा विच इज इक्व टू अल्फा द एंगल अल्फा इज कार्ड फेज कॉन्स्टेंट इसको क्या कहते हैं फेज कॉन्स्टेंट और स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज और इपुक ऑफ एशियच स्टार्टिंग फेज और इनिशियल फेज और इपोक ऑफ एशियाचम इसको हम कहते हैं इस तरह से मैंने आपको सात डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए हैं अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और आपने दोस्तों को शेयर भी करिए क्योंकि ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाता हूं इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको इसके ऊपर आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी ओके तो चलो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत दोस्तों बाय बाय थैंक यू टेक केयर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंटिन्यू डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा डेली आप वीडियो इसको देखते रहिए बाय बाय थैंक यू